अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल, DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो है मरासमस पे। मरासमस का जो पेशेंट होता है बिल्कुल सूखा हुआ, खाता पीता बहुत सारा है लेकिन उसका लगता नहीं है, ठीक है। तो आज मरासमस के हवाले से हम बात करेंगे और हमारी आज की जो मेडिसिन है वो है ब्रोटीनम। इसकी मैं सबसे पहले आपके साथ अलामात शेयर करूंगा, छोटी छोटी अलामात शेयर करूंगा और आखिर पे मैं इसकी पोटेंसी बताऊंगा कि आप कौन सी पोटेंसी किस पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें। इब्रोटिनम मरासमस के लिए बड़ा इलाज है। बच्चा अच्छी तरह खाता है फिर भी गोश्त अपना खो देता है, टांगे कमजोर, जल्द खुश्क फीकी झुर्रियों वाली, वजन कम होना, बुखार, थकावट, जल्द में तब्दीली, पाखाना या मसाने में मसला, ऐसे जख्म जो भरते नहीं, खून रिसना। अगर आपको ब्रेस्ट पर गिल्टी महसूस हो तो ये मुमकिन तौर पर कैंसर की अलामत होगी। जायका चकना, भूख अच्छी लगती है और मगर बदन जो है फिर भी सूखता चला जाता है। भूख जो है अच्छी तरह से लगती है, खाता है पीता है लेकिन उसका बदन सूखता चला जाता है, खुराक हजम होने के बगैर पाखाने की राह से निकल जाता है। वो इतना कमजोर, वो अपना सर पकड़ने से कासिर है, बच्चा अपनी उम्र से बड़ा नजर आने लगता है। एब्रोटिनम जो है सूखेपन के लिए एक बेहतरीन मुफीद मेडिसिन है, खास तौर पर निचले धड़ के सूखेपन के लिए। इसके अलावा फेफड़ों और दूसरे अज़ा में पानी आ जाने की शिकायत, छाती में पानी आ जाना या फेफड़ों के गलाफ में पीप जमा होने की सूरत में इस एब्रोटिनम का बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा गंठिया की तकलीफ में कमी के साथ ही बवासीर और अजाफा, लड़कों में नकसीर और खुशियों में पानी आ जाना, बदमिजाज, चिड़चिड़ापन, इसका जो चेहरा होता है वो झुर्रियों वाला होता है, खुश्क होता है, जर्द होता है, आंखें जो होती हैं बेरौनक होती हैं। इसके अलावा मुंह का जायका चिकना, खाना हजम हुए बगैर निकल जाना। इसके अलावा अफारा पाया जाता है जिसके साथ कब्ज और इसहाल बारी बारियों, खूनी बवासीर पाई जाती है, कच्चापन महसूस होता है, सांस में रुकावट, गर्दन कमजोर, हत्ता के सर को बोझ ना उठा सके उसका सर। इसके अलावा कंधों, बाजुओं, कलाइयों और टखनों में दर्द पाया जाता है, चेहरे पर कील मुहासे निकल आना, जिल्द जो होती है ढीली लटकी हुई, बाल गिरे, खारिश। ये मैंने आपके साथ एब्रोटिनम की छोटी छोटी अलामात आपके साथ शेयर की हैं,
मुख्तसर मैंने टॉपिक बनाया है ताकि आप अपने मकसद की तरफ पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी मुझे डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा जल्दी बोला करें और साथ में अपना ना अहम अहम अलामात बता दिया करें, तो इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक बनाया ताकि आपको समझ आए। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया है, सॉरी, अगर ये अलामात अगर आपको मिलती हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन एब्रोटेनम इसका इस्तेमाल करवाएंगे। 30 के अंदर आप छोटे बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं जो मरासमस का पेशेंट है, ठीक है। 30 पोटेंसी छोटे बच्चे के लिए, अगर कोई बड़ा है उसके लिए आप 200 या 1 mg का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मैंने आपको मेडिसिन बताई है। इसके अलावा अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।